लाए ऐसा पड़ेगा। इस तो नौकरी है, ये तो समाज के लिए है, जो पीड़ित लोग हैं उनको मदद करने के लिए है। कानून किस प्रकार से सही होनी चाहिए, कैसे किस झूठा यानी झूठे बातें कही जाती है कानून के नाम पर, वो उसको रद्द करना, ये सब अब आवश्यक है। और सारा समाज शांतिपूर्ण होना है तो फिर विधि के मर्यादा होना चाहिए। इसलिए मैं समझता हूँ कि इसको मैं आज सबसे ऊंचे उच्च मानता हूँ, उसमें महिलाओं का भी बहुत बड़ा स्थान। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार के बच्चे अब सिविल सर्विसेज के साथ साथ बड़े बड़े लॉयर भी बनेंगे, और क्लैट की परीक्षा तो खैर वो पास करते ही हैं, लेकिन बिहार के बच्चे अब आईएएस आईपीएस के साथ साथ देश के बड़े वकील भी बनेंगे। देखिए, आज सुब्रमण्यम स्वामी जो कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व सांसद हैं, और बेबाक तरीके से अपनी बातों को रखते हैं, देश के नामचीन वकीलों में इनका नाम शुमार है, देश के बड़े वकील हैं, और सुब्रमण्यम स्वामी को ऐसा लगता है कि बिहार के बच्चे भी बड़े अच्छे वकील बन सकते हैं, अच्छे लॉयर बन सकते हैं। लॉ प्रेप ट्यूटोरियल की ओर से आज एक बड़ा कॉन्क्लेव रखा गया है पटना में, जहां पर बच्चों से सीधा इंटरेक्ट करने के लिए सुब्रमण्यम स्वामी पटना पहुँचे हैं। अब ऐसे में जब हमने उनसे पूछा कि बिहार के बच्चे आईएएस आईपीएस तो बनते हैं, सिविल सर्विसेज की परीक्षा भी पास करते हैं, लेकिन अच्छे लॉयर बन सकते हैं, क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनिए। देखिए, पहले बार कभी लॉ का वाद विवाद हुआ तो तब हुआ था जब आदि शंकराचार्य यहाँ आए थे और मंदर मिश्रा से उन्होंने चुनौती दी कि मेरे साथ आप बहस करो, और यदि मैं आपको हरा दूं, क्योंकि उस समय वो बुद्ध के थे, बुद्ध धर्म में थे मंदर मिश्रा, तो डिबेट, और शंकराचार्य हिंदू थे परंतु अद्वैता हिंदुत्व में वो विश्वास करते थे, तो इन दोनों महान रथियों को यानी इतने मशहूर और इतने महान लोग थे, उनके डिबेट का अंपायर कौन होगा, तो मंदरा मिश्रा की पत्नी को चुना गया, और पत्नी ने जज की काम की थी। दोनों का बहस सुनने के बाद अपने पति को हराने की निर्णय दी उसने, और हारने के बाद वो फिर शंकराचार्य, पहली शंकराचार्य मठ के जो श्रृंगेरी में है कर्नाटक में, उसका वो बन के गए थे। तो बिहार का तो पुराना इतिहास है, चाणक्य क्या उसने तर्क दी, तो हमारी जो सारी जो संस्कृति है वो तो बिहार से शुरू हुई थी, सूर्य वंश के साथ बनी, वहाँ से चली, और इसीलिए आज बिहार को दोबारा उस रास्ते में लाने के लिए बहस से, मारपीट से नहीं, गाली गलौज से नहीं, जाति के आधार पर नहीं, सिर्फ विधि अनुसार न्याय के आधार पर बिहार में करने के लिए हमारे साथी लोगों ने, जो हमारे साथ इंटर्न भी किया है उन्होंने पहले, इन लोगों ने एक फैसला किया है, इसका मैं स्वागत करता हूँ, इसीलिए मैं आया हूँ। सर, बिहार का मतलब एक परसेप्शन बनता है यूपीएससी, सिविल सर्विसेज, आईएएस आईपीएस, लेकिन लगता है लॉ प्रेप जिस तरीके से शुरुआत की है और बच्चे जो है बिहार के बच्चे वकील बनेंगे, बड़े बड़े वकील बनेंगे, तो आईएएस आईपीएस से हटकर एक नए स्ट्रीम पर लगता है कि चल पाएंगे? बिल्कुल, आईएएस तो नौकरी है, ये तो समाज के लिए है, जो पीड़ित लोग हैं उनको मदद करने के लिए है। कानून किस प्रकार से सही होनी चाहिए, कैसे किस झूठा यानी झूठे बातें कही जाती है कानून के नाम पर, वो उसको रद्द करना, ये सब अब आवश्यक है। और सारा समाज शांतिपूर्ण होना है तो फिर विधि के मर्यादा होना चाहिए। इसीलिए मैं समझता हूँ कि इसको मैं आज सबसे उच्च मानता हूँ, उसमें महिलाओं का भी बहुत बड़ा स्थान है, तो महिला पुरुष बराबर किसी जगह में है तो ये विधि में है, और विधि के बिना हमारा संविधान नहीं हो सकता, और संविधान नहीं है तो फिर इस देश में सिर्फ अराजकता होती। आपके इंटर्न है, लगता है कि वो कुछ ऐसे बच्चों को पढ़ाएंगे कि देश को एक नया सुब्रमण्यम स्वामी फिर मिलेगा? आप मतलब ऐसे कामना करते हैं या आशीर्वाद देते हैं? कई लोग घबरा जाएंगे, इनके इसमें जाएंगे नहीं, फिर सुब्रमण्यम स्वामी एक बहुत तंग कर रहा है तो कितने बार सुब्रमण्यम स्वामी होना चाहिए।
नहीं, इनकी मर्जी के अनुसार ये अपने पांव पर खड़े हैं और जो करते हैं मैं उनके साथ हूँ। तो लॉ प्रेप ट्यूटोरियल में पढ़े हुए बच्चे काफ़ी बेहतर करेंगे ये उन्हें उम्मीद है, और बच्चों से इंट्रैक्शन करने के लिए वो सीधा आज पटना पहुँचे हैं। जो लॉ प्रेप ट्यूटोरियल के टीचर्स हैं वो वहाँ मौजूद थे, उनके जो CEO हैं, जो उनके हेड हैं अभिषेक जी, वो वहाँ मौजूद थे। उन सभी को उन्होंने कैसे कहते तो खूब बेस्ट विशेष दी हैं, खूब बधाइयाँ दी हैं और कहा है कि बिहार के बच्चे अच्छे लॉयर भी बन सकते हैं जिस तरह से अच्छे संस्थानों में वो पढ़ाई करते हैं। लॉ प्रेप ट्यूटोरियल की उन्होंने जमकर प्रशंसा भी की है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, देखना ये है IAS IPS बनने वाले बच्चों में अब लॉयर बनने की भी कितनी उत्सुकता जगती है। क्या बिहार में भी एक नए सुब्रमण्यम स्वामी आएंगे? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।